हिमाचल प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। शिमला में कांग्रेस ने ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान एक महीने तक चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान के तहत 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी वर्चुअल तरीके से दिल्ली से जुड़े रहे। आज सोशल मीडिया ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया जो कांग्रेस के माध्यम से सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के माध्यम से शुरू की गई है, इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम लाखों लोगों को जोड़कर जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं एक स्ट्रीम लाइन हम लोग एक सिस्टम बनाएं और जो ट्रॉल आर्मी है जो कि पेड है जिन्हें पैसे दिए जाते हैं कि इस प्रकार का माहौल अराजकता का माहौल जो है वो देश भर में और प्रदेश भर में बनाया जाए उनके खिलाफ एक ये मुहिम आज हमने शुरू की है। एक महीने तक ये लगातार अभियान चलेगा जिसमें हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति विधानसभा जिला स्तर पे राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहता है उन लोगों को आगे लेकर आया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ बनकर कांग्रेस के लोग आगे आए और अपनी नीतियों को अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं और सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों को हम उजागर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ उजागर करें उसके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सोशल